ये अद्भुत स्थान है जहाँ बार बार आने को मन करता है। इस बार जो जल महोत्सव हुआ उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग आए। हम हनुमंतिया को विकसित करने में सफल हुए हैं, लेकिन इस बार के अनुभव देख के कुछ चीज़ें और दिमाग में आई है। एक वोट क्लब से काम नहीं चलेगा, और हमको 2-3 वोट क्लब विकसित करने पड़ेंगे ताकि कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए वो यहाँ आए और पर्यटन का आनंद ले सके। एक विचार और मन में आया है कि अभी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास होटलें हैं बहुत, तो होटल्स के साथ साथ टूरिज्म के डेस्टिनेशन डेवलप करना, विकसित करना, एक्टिविटीज विकसित करना, वो काम हो नहीं सकता। इसलिए मैं अभी प्रारंभिक रूप से विचार प्रकट कर रहा हूँ, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होटल चलाए, लेकिन एक टूरिज्म बोर्ड हम अलग से बनाएं जो बाकी एक्टिविटीज़ को देखे और हमारे पर्यटक स्थलों को विकसित करने का काम करें। आने वाले 3-4 सालों में इंटरनेशनल, दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आएंगे। अब अगले बार जो हमारा जल महोत्सव होगा, अभी मैं विचार ही कर रहा था MD टूरिज्म रंजन राव जी से कि हम 1 महीना का क्यों रखें, हम दिवाली के बाद ही शुरू कर सकते हैं, ये 2 महीना चल सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि दिवाली की छुट्टियाँ भी अगर इसमें हम जोड़ लें और अक्टूबर के महीने से इसको शुरू करें, और 2 महीने ये चले, अक्टूबर से जनवरी तक 3 महीने ये चले, 2.5 महीने चले, क्योंकि गुजरात में कच्छ जो क्या कहते हैं उसको, कच्छ महोत्सव, रन ऑफ कच्छ, वो 3-3 महीने चलता है, तो लोग आना चाहते हैं, तो हमको इसको विस्तार देना चाहिए, उसकी योजना भी बना रहे हैं दोनों। एक तो मैं उस पार जाना चाहता था लहरों के बीच से, लेकिन उन्होंने आज फिर रोक दिया, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, एक बार फिर आऊँगा और बोरियामाल और बाकी आइलैंड पे ज़रूर जाऊँगा। और दूसरे इस जल महोत्सव के अनुभव MD से भी और जिला प्रशासन से साझा करके आगे की योजना बनानी थी, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने विचार करके यह सोचा है।